भारत के सभी किसान मित्रों को कॉटन गुरु का सादर नमन। अभी हम दिसंबर 2019 में हैं, कपास की नई सीजन की शुरुआत होके 2 महीने हो चुके हैं, पर अभी भी भारत में चाहिए उतनी कपास की आवक नहीं हुई है। एक तो पूरे अक्टूबर महीने में बहुत सारे कपास के उत्पादक केंद्रों में बारिश के रहने से अराइवल में डिले भी हुआ है और कपास की गुणवत्ता क्वालिटी को नुकसान भी हुआ है। इससे कुछ हद तक कॉटन के उत्पन्न या यील्ड पर भी असर पड़ा है। ये कम था कि अभी हमने अक्टूबर में और नवंबर में गुजरात के कुछ एरियाज में पिंक बॉलवर्म को पाया है। पिंक बॉलवर्म ये 2013 में गुजरात में शुरू हुई थी, 2015 में बहुत सारे कपास के की फसल को इससे नुकसान हुआ था और ये पिंक बॉलवर्म ने वापस इस साल गुजरात के किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया है। अमरेली, भावनगर और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से बोटाद के एरिया को छोड़कर गुजरात के बहुत सारे एरियाज में हमें इसका प्रभाव देखने मिल रहा है। तो गुजरात के सभी किसानों से खास विनंती है कि अपने खेतों में आप बहुत बारीक नज़र से देखिए और कुछ बॉल जो फूट नहीं रहे हैं, कॉटन बॉल के शेप जो थोड़े चेंज हो गए हैं, उन पर खास नज़र रखिए। दूसरे आसपास के बॉल फूट रहे हैं, जो बॉल नहीं फूट रहे हैं उसके अंदर पूरा चांस है कि पिंक बॉलवर्म का इफेक्ट हो सकता है। और गुजरात को छोड़ के महाराष्ट्र में भी ये हमें उपद्रव विदर्भ में और मराठवाड़ा के कुछ एरियाज में देखने को मिला है। 2017 में तेलंगाना में भी बहुत सारा इसका इफेक्ट हमें देखने मिला था। तो सभी किसानों से ये विनती है कि अपने खेतों पे और कपास की फसल पे बहुत ही बारीकी से नज़र रखें और पिंक बॉलवर्म जहाँ भी आपको दिखे वहाँ इमीडिएट एक्शन लें। फेरोमोन ड्रॉप लगाना इसका सबसे सस्ता और सबसे प्राइमरी इलाज है पिंक बॉलवर्म को पकड़ने के लिए। उसके सिवा पिंक बॉलवर्म के इलाज के लिए आपको कोई भी सलाह चाहिए, आपके आसपास के कृषि विकास केंद्र में जा सकते हैं या कॉटनगुरु की टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पिंक बॉलवर्म के सिवा एक और प्रॉब्लम है जो हम आपको खास बताना चाहते हैं, वो है बॉल रॉट। कॉटनगुरु और महाराष्ट्र के एक बहुत ही अग्रणी किसान अमृतराव देशमुख, हम दोनों ने मिलकर इसकी खोज की है कि बॉल रॉट नाम का एक अलग ही रोग हमें कपास की फसल पे देखने मिल रहा है। 2017 में जो पिंक बॉलवर्म महाराष्ट्र में आया था उसमें बहुत सारा बॉल रॉट था, मतलब बॉल का पहले सड़ना उसके बाद उसमें पिंक बॉलवर्म आना, ये बहुत आम तौर पर हमने पाया था। गुजरात में भी पाटन और कुछ एरियाज में हमने पाया है कि बॉल पहले सड़ रहे हैं उसके बाद उसमें पिंक बॉलवर्म हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो कॉटन के बॉल पे एक भी छेद्र या एक भी होल नहीं होगा, पर बॉल खोलेंगे तो बॉल में सड़न शुरू हो गई होगी। पहले आपको थोड़ा भेज दिखेगा, मॉइस्चर दिखेगा, उसके बाद एक दाग बढ़ना शुरू हो जाएगा, पीले कलर का दाग जो आगे चल के ब्राउन हो जाएगा और धीरे धीरे वो बॉल अंदर से सड़ता जाएगा। सड़े हुए बॉल में अंदर पिंक बॉलवर्म आता है और वो होल करके बाहर निकलता है, मतलब पहले बॉल सड़ता है उसके बाद अंदर पिंक बॉलवर्म होता है और होल उसके बाद होता है। तो आप कौन सी स्थिति में आपका कपास है, कौन सी स्थिति में आपकी फसल है, ये आप देखिए। दोनों ही स्थिति में हमारे पास उसका इलाज है। तो आप कॉटन गुरु की टीम को 7208011247, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, 7208011247 इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करिए। आपके किसी भी शंका का समाधान या किसी भी रोग का इलाज करने की पूरी कोशिश कॉटन गुरु की टीम करेगी। आप सबको 2019-20 के कपास के नए सीजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।